हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन का रिव्यू। और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैंने इस फाउंडेशन को 2 से 3 बार को ट्राई किया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसे रिव्यू शेयर करूं। और मुझे फाउंडेशन बहुत ज्यादा पसंद आया है। क्यों पसंद आया है आगे मैं इसकी खूबी आपको बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथ ही साथ मैं आपको इस फाउंडेशन को अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की कवरेज देता है और क्या ये आपके डार्क सर्कल्स को और पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट को हाइड करता है। इससे पहले अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये कुछ ग्लास बॉटल में आता है। आप देख सकते हैं क्यूट सी ग्लास बॉटल में आता है। ये कांच की बॉटल है तो इसे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कैरी करने में। वैसे ये बजट फ्रेंडली भी है और पॉकेट फ्रेंडली और ट्रेवल फ्रेंडली भी है, तो बहुत ही अच्छी बॉटल है। आप देख सकते हैं सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है और इसका शेड नंबर वगैरह भी इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। मेरा जो शेड है वो है डेजर्ट बेज वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन फॉन्ट डिटेंट डेजर्ट बेज शेड है मेरा। और मीडियम डार्क स्किन के लिए है ये, देखिए मेरी स्किन टोन के हिसाब से ये परफेक्ट शेड है। और जितने भी वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर ये लिखा होता है, मेंशन किया होता है कि ये क्रुएल्टी फ्री है। ये देखिए मार्क बना हुआ है, तो कुछ इस तरह की सभी चीजें इसमें मेंशन की हुई है बॉटल पर। तो चलिए मैं इस बॉटल को आपको ओपन कर दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से आता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ओपन होता है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रनी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कैप जो आती है साथ में, इसके साथ आपको एक स्पैचुला मिल रहा है जिससे आप इजीली अपने फेस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। काफी ईजी है इसे अप्लाई करना, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपको इसके साथ ये स्पेचुला मिल रहा है जो कि बहुत ही इजीली आप इसे लगा सकते हैं अपने फेस पर। क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो मेबलिन फिट मी फाउंडेशन है उसके साथ ऐसा कोई भी स्पेचुला वगैरह नहीं था, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन को लगाना। तो ये देखिए इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए अब मैं इसे अपने फेस पर आपको अप्लाई कर दिखा देती हूँ और भी चीजें आपको बताऊंगी कि ये किस तरह की कवरेज देता है। अब बात करते हैं कि किस तरह की स्किन पे ये सूट करेगा। तो जितनी बार भी मैंने इसे अप्लाई कराया है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो 2 से 3 बार मैंने इसे अप्लाई किया है और 2 से 3 बार मैं इसे यूज कर चुकी हूँ। मैं इसे पहले इस्तेमाल कर देखना चाहती थी, उसके बाद ही मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू आपसे शेयर करूं। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। ड्राई स्किन वाले थोड़ा इग्नोर करें फाउंडेशन को, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ेगा और काम का आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता ये ड्राई स्किन वालों के लिए बना है, ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले इस फाउंडेशन को ईजिली फ्री माइंड होकर परचेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा शेड है और बहुत ही मेरा ये शेड जो है मुझे बिल्कुल लगता है परफेक्ट है। और गाइज ये जो फाउंडेशन है आपको मैटिफाइंग लुक देता है, ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट लगा है मुझे ये फाउंडेशन। और साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को भी अच्छे से कवर करता है और इजिली ब्लेंड हो जाता है। इस फाउंडेशन की ये खासियत लगी है मुझे, बहुत ही नाइसली और बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है। ये फाउंडेशन काफी ज्यादा न्यूट्रल अंडरटोन्स है, तो अगर आपकी वार्म अंडरटोन है तो आपको येलो अंडरटोन वाला जो फाउंडेशन है वो मिक्स कर लगाना चाहिए। और अगर आपकी कूल अंडरटोन स्किन है तो आपको कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन मिक्स कर इसे लगाना चाहिए। और गाइज इसमें बहुत ज्यादा शेड्स नहीं आते हैं, सिर्फ 4 से 5 तरह के ही शेड आते हैं। और जो भी बीबी क्रीम आपके पास हो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें मिक्स कर अगर आपको एग्जैक्ट शेड चाहिए। और मुझे ये शेड मेरे लिए परफेक्ट लगा है। इसकी परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और गाइज ये मुझे मिला था काफी अफोर्डेबल प्राइस पर, क्योंकि मुझे ऑफर में मिला था। तो आपको इसमें मिल जाता है 30 ml का प्रोडक्ट और डस्की स्किन वालों के लिए मुझे बहुत ही बेस्ट लगा ये फाउंडेशन। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कवरेज दी है इसने और साथ ही साथ इसने मेरे डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट को भी हाइड किया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो गाइस देखा आपने कितने अच्छे से इसने मेरे डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट को और पिगमेंटेशन को भी हाइड किया है। वैसे मेरे फेस पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बट इसने हाँ मेरे डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम को जरूर दूर कर दिया है, मतलब कि अच्छे से कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन का रिव्यू। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज गाइज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइज ये बिल्कुल फ्री है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।